आज भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां मलाड पश्चिम में एक ऐसा बिल्डिंग जिसका काम 14 साल में पूरा हुआ और 3 साल पहले लोगों को घर मिला जिसमें परिवार आपत्र हुए लेटर के बाद वहां रह रहे थे। और आज जहां पूरा देश विजयदशमी मना रहा था, ऐसे में एसआरएन एक परिवार को घर से बाहर निकाल दिया गया। घर पर कोई नहीं था, अकेली महिला थी जिसकी जानकारी सांसद गोपाल शेट्टी को लगी और वो वहां पहुंचे। सर जो है आज सारे के ऑफिसर जो है आज लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं दशहरे के, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसको शूट करो, ये 14 साल से बन रहा है, 14 साल से लोग बाहर है और 3 साल के पहले बिल्डिंग बनकर रेडी हो गया और सारे लोगों को घर दे दिया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आया, 3 लोग अपात्र हुए, उनको देवेंद्र फडणवीस जी ने जो नया कानून बनाया उसके हिसाब से सशुल्क पात्र हो गए, 3ों लोगों को लेटर दे दिया है एसआरए ने, ये 3ों लोगों को लेटर दे दिया है, बिल्डर ने एसआरए को लेटर दिया 22 सितंबर को और कहा कि सरकार जो भी शुल्क का पैसा तय करेगी वो मैं भरूंगा, मैं इनको घर दे रहा हूँ, क्योंकि 4 साल से इनका भाड़ा बंद है, भाड़ रही है और वो रह रहे, मुझे नियम के बाहर जाना नहीं है, सरकार के कायदे का पालन करने वाला मैं व्यक्ति हूँ। आज ये कल आकर अभी अगर इनको बोलते थे बाहर निकलो तो भी समझा जा सकता था, उसको मैं मान्य नहीं करूँगा, लेकिन आज दशहरा होते समय छुट्टी के दिन आकर एक लेडीज़ को बाहर निकाल दिया, उसका पति घर में नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया एक जगह पर दशहरे का, शिवसेना के लोग 2 रैली कर रहे हैं, 1-2 लाख की बात कर रहे हैं, दूसरा 3 लाख की बात कर रहे हैं, 5 लाख लोगों को इकट्ठा करके बाला साहेब ठाकरे जी का 40 लाख लोगों को मुंबई में घर देने का सपना पूरा करने की बात कर रहे हैं और ऐसे दशहरे के दिन यहाँ पर लोगों को आकर बाहर निकालना एक सांसद के नाते मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी बड़े ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने उनके दूसरे ऑफिसर को भेजा, पुलिस के लोग आए, वो लिख कर दे रहे हैं कि हमारी गलती हो गई करके, तो हम इसको अभी समाप्त करते हैं। इसका पूरा स्टोरी ये है, देवेंद्र फडणवीस जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने परसों मीटिंग किया माड़ा में और उन्होंने ताबड़तोब कहा कि ये 2.5 लाख रुपये भरने का जीआर निकाल दो, यानी 2.5 लाख रुपये में लोगों को घर मिलेगा और ये जीआर निकलने वाला है, तो ये भ्रष्ट ऑफिसर लोगों ने पूरे मुंबई में इस प्रकार के लोगों को भेजकर जितना रोकड़ी हो सकता उतना करने के लिए आज छुट्टी के दिन भेजा है, लेकिन माता जी प्रसन्न हुई झोपड़पट्टी वालों के ऊपर और माता जी ने हमको बताया भेजा इधर और सारे लोग आ गए और एक बहुत बड़ा कांड होने से आज रुक गया। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं देवेंद्र जी से कहकर सशुल्क का जीआर, ट्रांसफ़र का जीआर और बहुत दिनों से जो पहले माले का लफड़ा जो चल रहा है वो भी बहुत जल्दी निकलेगा, नहीं तो मैं दिवाली नहीं करूँगा, मैं अभी बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सब सुन लो, योगेश भाई तुम लोग सब लोग, योगेश वर्मा, दिवाली के पहले झोपड़पट्टी का सारा अगर प्रश्न खत्म नहीं हुआ आप लोग दिवाली बनाइए, मैं दिवाली को धरना करूंगा, आज आप लोग ने बोल दिया मैं आज कैंसिल कर रहा हूँ, मैं भर दिवाली में धरना करूंगा, या तो आईएएस ऑफिसर मुझे प्रूव कर दे कि मैं गलत हूँ, मैं माफ़ी मांगकर मेरे मुद्दे को वापस ले लूँगा, आईएएस ऑफिसर प्रूव करे मेरे को, जितने भी आईएएस ऑफिसर जितने भी बड़े वकील है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास सरकार के पास, वो मुझे साबित कर दे कि मैं जो मांग कर रहा हूँ गलत है, मैं सिस्टम में से बाहर निकल जाऊंगा। सर क्या लगता है सारे ऑस्ट्रेलिया किसी से मिली भगा या कोई पार्टी से मिलके कदम आज उठाए हैं? इसमें कोई पार्टी बेटी का बहुत लेना देना नहीं है, ये ऑफिसरों का एक पार्टी है और उनके सपोर्ट में ये झोपड़पट्टी में रहने वाले नेता भी चाहे फिर कोई भी पार्टी के हो, जो लोग होल्ड रखते हैं वो लोग कंसर्न लेने के लिए 10,000-15,000 जैसा एरिया है वो हिसाब से पैसा लेते हैं बिल्डर से, बिल्डर सबसे पहले झोपड़पट्टी का जो दादा उसको पैसा देता है, एनेक्सर बनता है, ऊपर तक जाता है, सारा क्लियर होता है, पूरा रेडी होने के बाद में फिर कोई ऊपर से आदेश आ जाता है और दूसरा बिल्डर आता है, फिर सेटलमेंट होता है, यही सारा सबको पैसा बांटने में ही सब चला है, लेकिन लोगों को घर नहीं मिल रहा है। मैं इसको एक्सपोज करूँगा सारे सिस्टम को, सारे सिस्टम को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ और ये बिल्डिंग की और एक स्टोरी बताता हूँ, इसमें 53 घर एक्स्ट्रा बन गए, बिल्डर ने 53 एक्स्ट्रा घर बनाकर एसआरए को दिया, एसआरए एमसीजीएम और एमएमआरडी के लोगों ने बांट कर कुरला के लोगों को बेच दिया, इस प्रकार का रिपोर्ट है मेरे पास,
एसआरए का ऑफिसर मुझे झूठा साबित कर दे, जिन्होंने मुझे बताया उसको मैं सामने खड़ा कर दूंगा। और उन्होंने दूसरे को भेज दिया, उनको खाली नहीं कर रहे, और जो ऑफिशियल है उनको खाली करके डरा कर, इसका पीछे का षड्यंत्र ये है कि इनको डरा कर उनके पास से पैसा निकालने का, ये इनका धंधा है, ये इनका धंधा है। इसलिए मैं सारे सिस्टम को एक्सपोज करने वाला हूँ। सर अगर इसी तरह अगर करते रहेंगे तो लोगों को काफी तकलीफ होगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन लोगों को हेल्प करने के लिए खड़ी रहेगी? हमेशा, जिंदगी के अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। मुझे निकल लगाया था, मैं जस्ट आज पूजा करने ही गई थी और उन्होंने मुझे बोला कि आप निकलिए, बाहर निकलिए, और बोला आप कल सील मार देंगे। क्या आपके इसके पहले आपको नोटिस दिया गया था या आपको डायरेक्ट जो है घर से बाहर निकाला गया? डायरेक्ट। या आपको कोई फोन वगैरह आया होगा? कुछ नहीं, कोई फोन नहीं आया।